Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe the channel, hit the notification bell for further updates of new videos, like, comment and share. तो आज का रेसिपी है चिंगड़ी भापा. ये एक श्रिम्प या प्रॉन का रेसिपी है. इसके लिए मैंने श्रिम्प ले लिया, दही और योगर्ट ले लिया, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लिया, ग्रेटेड कोकोनट और कसा हुआ नारियल ले लिया, मस्टर्ड पाउडर लिया सनराइज का और ग्रीन चिली, नमक और चीनी लिया. चीनी आपका टेस्ट पे नहीं आएगा जब आप खाओगे ये डिश. चीनी से थोड़ा सरसों का कड़वापन चला जाता है. ये प्रॉन्स से, श्रिम्प से, कोई भी फिश से भी बहुत अच्छा बनता है. इसको चिंगड़ी भापे बोलते हैं. भापे यानि स्टीम्ड प्रॉन. भापे यानि स्टीम्ड. चिंगड़ी बंगाली में प्रॉन को या श्रिम्प को चिंगड़ी बोलते हैं. तो चिंगड़ी भापे मीन्स स्टीम्ड प्रॉन. तो मैंने नारियल पे मस्टर्ड पाउडर, हल्दी, ग्रीन चिली, सॉल्ट और चीनी डाल दिया. अभी मैं श्रिम्प मिला लूँगी. श्रिम्प को बहुत अच्छा करके डीवेन करके क्लीन करके मैंने रख दिया था. अभी मैं योगर्ट मिलाऊँगी, दही और थोड़ा नमक और चीनी डाल दूंगी. इस ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है तो बहुत कम पानी लगता है इसमें. तो जो बर्तन पे, कटोरी पे थोड़ा सा दही है उस पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के घोल के इस पर डाल दूंगी, क्योंकि ये बॉयल हो जाए अच्छा करके. इसीलिए इस पर ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है. सरसों ही इसका मेन हीरो है और हीरोइन आप बोल सकते हो. मेन इंग्रेडिएंट सरसों है तो बहुत ही ऑसम टेस्ट आता है. टिपिकल बंगाली डेलिकेसी है. आप दोपहर को ज़रूर खाइए. अभी विंटर का सीज़न है. दोपहर को गरम भात के साथ, राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ खाइए. बहुत ही अच्छा लगता है. अभी दही पे जो पानी डाला थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया और अच्छा करके मिक्स कर लूँगी. इस पर ग्रीन चिली ज़रूर डालना. अच्छा करके मिक्स करके मैं स्टील का एक टिफिन बॉक्स ले लूंगी, उस पे ये मिक्सचर डाल दूंगी. ये डिश पे कोई तड़का नहीं लगता है और श्रिम्प या प्रॉन को फ्राई नहीं करना पड़ता है. इधर मैंने तो श्रिम्प ले लिया 8 पीसेस. आप प्रॉन से भी करना, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉन से भी बहुत अच्छा होता है. ये मैंने साइड डिश बनाया. अब बड़ा प्रॉन से करोगे, प्रॉन तो बड़ा होता है तो वो बहुत अच्छा डेलिकेसी बन जाएगा. अभी टिफ़िन बॉक्स पे मैंने डाल दिया. ऊपर से मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी और 2 ग्लास मैं पानी डाल दूंगी प्रेशर कुकर पे. उस पर एक स्टैंड लगा के फिर मैं ये टिफ़िन बॉक्स पे ढक्कन लगा के रख दूँगी और ऊपर का व्हीसल मैं खोल के फिर ये बर्तन स्टैंड के ऊपर प्रेशर कुकर के अंदर रख के 20 मिनट्स मैं मीडियम हीट पे रख दूंगी. पानी सफिशियंट होना चाहिए प्रेशर कुकर के अंदर कि ये बॉयल हो जाए, नीचे जल ना जाए. इसीलिए मैं बड़ा बड़ा 2 ग्लास पानी डाल दिया. देखिए मैंने जैसे बोला वैसा करके प्रेशर कुकर फिक्स किया. अभी 20 मिनट्स मैं स्टीम करूँगी. जस्ट ढक्कन ऊपर रख दूंगी, लगाना भी नहीं पड़ेगा. 20 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है ये डिश. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.